बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार भरा आशीर्वाद। तो दोस्तों देख सकते हैं भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से और मेरे हस्बैंड के मेहनत से इतना फ्लोर बन गया है। देख सकते हैं मेरा घर यहाँ पे बन गया है। अभी तक तो मैं दूसरे के घर में हूँ और अभी फ़िलहाल पूजन हो जाएगा क्योंकि कथा का आयोजन हुआ है आज, और हर साल कथा होती है सावन में। तो इस बार कथा मेरे ऊपर वाले फ्लोर में होगा, नीचे के फ्लोर में तो घर भोज हो चुका है। और यहाँ पे देखिए सासू माँ हैं, यही कथा सुन रही हैं और गांव की सभी महिलाएं आ गई हैं। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं तो सुबह का टाइम रहता है, महिलाएं हैं, घर का काम हो जाता है, उसके बाद से आती हैं। लेकिन आप लोगों को पता ही होगा हम महिलाओं को घर का काम भी निपटाना रहता है, खाना बनाना, बच्चों को देखना, लंच भी सुबह बनाना रहता है। तो ये सब काम करने के बाद से फिर महिलाएं कहीं भी कथा होता है, तो इस समय सावन का महीना है तो जोरों शोरों से सबके घर में कथा हो रहा है तो सभी महिलाओं को जाना पड़ता है। तो ये तो परंपरा है, हम आपके यहाँ आएंगे तो वो हमारे यहाँ आएंगी। तो देखिए यहाँ पे सासू माँ कथा सुन रही हैं और पंडित जी को भी बहुत ज़्यादा इस समय प्रेशर रहता है क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा कथा कहवाना पड़ता है, इनका तो गला भी बैठ जाता है। लेकिन हाँ ये भी बात है कि इन लोगों का तो भाई इनकम होता है पूरे महीने, फिर कभी न कभी कहीं ना कहीं पूजा तो होता ही रहता है तो इनकी इनकम भी हो जाती है और इनका तो खर्चा भी भाई इसी से आएगा, यही इनका रोजगार है। तो यहाँ पे देखिए सासू माँ हवन कर रही हैं और पंडित जी हवन करवा रहे हैं, तो अच्छा लगता है घर में ये जो शुद्ध, इससे शुद्ध वातावरण होता है। तो पूजा पाठ हवन ज़रूर करवाना चाहिए घर में क्योंकि इससे निगेटिव एनर्जी जो होती है ना वो दूर होती है। यहाँ देखिए देवरानियाँ हैं तो ये लोग बैठी हैं और मैं देखिए वहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि मैं एकदम किनारे बैठी हूँ। और फिर शाम को ना पूजा के पास से खाने पिलाने का भी, खाने पीने का भी कार्यक्रम है क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि सबको खाना खिलाना है और उसी बहाने चूल्हा जलेगा और उसके बाद से खाने बनाने का भी कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए सबको आरती दिखाया जा रहा है, सासू माँ पहले दिखा ली हैं पूरे घर में, फिर यहाँ पे हजामिन जो है नाई है नाउन वो दिखा रही हैं। तो आपके घर में क्या बोला जाता है? मेरे यहाँ तो नाउन को हजामिन बोला जाता है यहाँ पे ससुराल में। तो यहाँ उन्होंने दिखा लिया, फिर यथासंभव उन्होंने पैसे डालें। फिर देखिए यहाँ पे बेटा भी रक्षा सूत्र बंधवा रहा है और उसके बाद से थोड़ी सी आएगी और उसके बाद से देखिए यहाँ पे प्रसाद वितरण के लिए यहाँ तैयारी हो रहा है और उसमें देखिए केला है, सेब है और मंगभोग जो होता है वो है, पंजीरी बोलते हैं क्या बोलते हैं वो है, और उसके वजह से लड्डू आया है, फिर लड्डू इसमें रखा जाएगा। फिर देखिए नमकीन आया है, पेप्सी आएगा जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो पहले कोल्ड ड्रिंक नमकीन ये सब दिया जाता है क्योंकि जब भी लोग ना प्रसाद खा जाएंगी फिर सभी लोग चली जाते हैं, इसलिए पहले कोल्ड ड्रिंक और नमकीन हम लोग देते हैं, ये लोग खा पी लेती हैं। फिर देखिए शाम के समय हलवाई लगे हैं तो उसी फ्लोर पे खाना बन रहा है, नीचे वाला जो फ्लोर है यहाँ पे सासू माँ नीचे वाले में रहती हैं क्योंकि इनके पैर में दर्द होगा तो इन लोग, इनको तो गांव में अगल बगल जाना रहता है इसलिए मैं नहीं ऊपर के फ्लोर में ली हूँ, नीचे नहीं हूँ। और फिर अचानक से आना पड़ा मुझे सुनार की दुकान पे क्योंकि जो रानी है जो रेड कलर की साड़ी पहनी है ना, इनका एक कील होता है ना नाक का वो टूट चुका था, तो ये बहुत रिक्वेस्ट की चलिए थोड़ा सा चलें तो आ गई। तो दोस्तों आज मेरे घर कथा है और कथा में पूजन वूजन होगा, उसके बाद से खाने पीने का भी कार्यक्रम रहेगा तो हमेशा वो तो होता ही हमारे घर, और कोई भी पूजा पाठ होता है तो मेरे यहाँ खिलाया जाता है, हलवाई लोग लगे हैं, खाना बन रहा है और सुबह की पूजा हो चुकी है। अब ये शाम हो गया है, 7:15 बज रहा है। तो अभी मैं बाज़ार से आ रही हूँ, थोड़ा गई थी मार्केट और सुनार की दुकान पर तो वहाँ से आ गई हूँ और उसके बाद से अब चल रही हूँ फिर उस घर पर और आपको वहाँ दिखाती हूँ खाने में क्या क्या बना है। तो बने रहिए मेरे वीडियो में।
और कमेंट लिखिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर लिखिएगा। तो चलती हूँ मैं उस घर पर और आपको दिखाती हूँ, सबसे मिलवाऊँगी। पूड़ी बेलते हुए भी भगवान का ही गाना हो रहा है, भजन हो रहा है भोले शंकर का, और कजरी गीत भी गाया गया। और यहाँ पे हलवाई लगे हुए हैं, तो देखिए यहाँ पे दो तरह की सब्जी पुलाव बन चुका है। तो खाने में देख सकते हैं आप लोग, केले की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, पूड़ी, पुलाव और पापड़ बना हुआ था। तो यहाँ देर रात तक मतलब महिलाएं पूड़ी बेल रही हैं, और फिर उसके बाद से खाना भी चल रहा है। जो खाने वाले लोग हैं वो खा रहे हैं, और ये देखिए मेरी गांव की फ्रेंड हैं, उनके लिए मैं खाना दे रही हूँ टिफ़िन में, क्योंकि वो काफ़ी बीमार थी तो आने में असमर्थ थी, नहीं आ सकी, तो उनके लिए खाना मैं दे रही हूँ। बाकी का गाँव में जो अगल बगल खाना देना है, परोसना जिसको बोलते हैं गांव में, तो वो सासू माँ देंगी, वही देती हैं। तो वो बोली कि जाओ दे दो, तो मैं आकर उनको देने लगी अपनी सहेली को, फ्रेंड को। तो दोस्तों देख सकते हैं केले की सब्जी बहुत ही अच्छी बनी थी, और आपको तो पता है यहाँ पे जो सावन का महीना होता है और उसमें तो यही सब बनता है, और बहुत ही अच्छी सब्जी बनी थी, बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ था। और मेरे यहाँ कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, भगवान भोले शंकर की कृपा से, सभी देवता देवियों की कृपा से मेरे यहाँ कभी भी खाने में कोई कमी नहीं हुई, और बढ़ता ही रहा है, घटा कभी नहीं है। भगवान ना करे कभी किसी के घर कुछ घटे, और खुशहाल जीवन रहे। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, और मैं भी खाने बैठ गई, क्योंकि बाकी जो महिलाएं थी गांव की पूड़ी बेल रही थी, और लोग सभी लोग खाओ के चली गई थी। फिर उसके बाद दूसरे दिन का ये वीडियो है दोस्तों, ये मजली सास हैं, इनके यहाँ भी पूजन हुआ, जो कथा होता है वो हुआ, तो मैं यहाँ भी आई। और सासू माँ देखिए यहाँ बैठी हुई हैं, गाँव की महिलाएँ हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा, तो हम लोग के यहाँ यही होता है कि कोल्ड ड्रिंक नमकीन पहले दिया जाता है सबके घर, फिर प्रसाद वितरण होता है और सभी लोग शामिल होती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये होता है गांव का अपनत्व, अपनापन और सबके आशीर्वाद। दोस्तों इसका नेक्स्ट भाग जो है अगले वीडियो में ब्लॉग में दिखाऊंगी। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।